हेलो पीपल एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द हीरो एक्सट्रीम 200R। अब ये मोटरसाइकिल एक 200 सीसी क्लास मोटरसाइकिल है, बट दिस इज नॉट रियली दैट मच मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। अगर सिंपल वर्ड्स में इसे डिस्क्राइब किया जाए तो ये एक फास्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल है। इट इज वेरी कम्यूटर लाइक। ये ज्यादा स्पोर्टी या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप इसकी तरफ देख रहे हो विथ एन इंटेंशन टू राइड फास्ट, टू हैव फन, दिस इज गोइंग टू लेट यू डाउन अ लिटिल बिट। तो किसके लिए बनी है ये हीरो एक्सट्रीम 200R? 89,900 रुपीज इसकी एक शोरूम प्राइस टैग है। सिर्फ एक वेरिएंट में आप इस बाइक को खरीद सकते हो और इसमें आपको एक सिंगल चैनल ABS मिलता है। बट इज दिस रियली दैट गुड? एक तरह से जब आप इस मोटरसाइकिल को देखते हो, इसकी कॉम्पिटिशन है दी TVS अपाचे RTR 204V, बट दैट इज सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव। लेकिन TVS अपाचे जब ज्यादा पैसे डिमांड कर रही है, उसकी फिट एंड फिनिश बेटर है, द बाइक लुक्स मच बेटर, इट हैज मोर पावर, इट हैज अ स्लिपर क्लच एंड इट हैज अ ड्यूअल चैनल ABS, एंड इन ऑल ऑफ दोज एस्पेक्ट्स द एक्सट्रीम 200R लैक्स अ लिटिल बिट ऑफ पंच। लेकिन जब आप कंपेयर करोगे टू द लाइक्स ऑफ द 150cc और 160cc क्लास मोटरसाइकिल्स, विच माइट इंक्लूड समथिंग फ्रॉम होंडा, समथिंग फ्रॉम TVS, TVS की अपाचे RTR 160 भी अभी मार्केट में अवेलेबल है, कंपेयर टू दैट द एक्सट्रीम 200R साउंड्स नॉट टू बैड। इसकी प्राइस जो है वो 150cc और 160cc क्लास मोटरसाइकिल से मार्जिनली ज्यादा है, बट देन यू गेट बिगर डिस्प्लेसमेंट एंड यू गेट अ सिंगल चैनल ABS एज वेल। तो उस मामले में द एक्सट्रीम 200R साउंड्स लाइक अ गुड पिक। लेकिन ओवरऑल इस बाइक की जो क्वालिटी है, इट इज नॉट रियली दैट ग्रेट। ज्यादा प्रीमियम ये गाड़ी फील नहीं होती है। लेट मी क्विकली शो यू व्हाई। सबसे पहले ये देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इट डजंट लुक ग्रेट एट ऑल। ये सिल्वर फिनिश काफी टैकी दिखती है। ये टैकोमीटर नीडल भी वेरी एवरेज दिखता है, एंड यू डू नॉट हैव द लाइक्स ऑफ अ गियर शिफ्ट इंडिकेटर और एनीथिंग। और अभी भले ही ये मैंने क्लस्टर ऑफ कर दिया है, ये टेलटेल लैंप्स ऐसे लगता है कि अभी भी चालू है, एंड दे डोंट रियली लुक गुड एट ऑल। इसके बाद टैंक पैनल जब आप देखोगे तो पैनल गैप्स भी काफी है। ये देखिए रफ एजेस है यहाँ पे, एंड द पेंट फिनिश ऑल्दो नॉट टू बैड, द लाइवरी ओवरऑल, द डिकैलिंग इज अ लिटिल बिट लाउड, एंड आई डोंट रियली थिंक दैट दिस इज लुकिंग एज अ प्रीमियम मोटरसाइकिल। ये बाइक आपने सिर्फ तभी कंसिडर करनी है जब आपको एक फास्ट कम्यूटर चाहिए। दैट इज इट। यू हैव फन, लुक एल्सवेयर, एंड माई रिकमेंडेशन इज दैट यू गो फॉर द TVS अपाचे RTR 204V। Or if you want a good motorcycle in the lower end of the segment, I recommend that you go for the TVS Apache RTR 164V, because even that motorcycle is fantastic to ride. The engine is brilliant and it has a pretty good speedometer cluster compared to this very okay looking unit over here. Ek aur downside Xtreme 200R ka ye hai ki iski jo overall styling hai is reminiscent of the Xtreme Sports. Ab Xtreme Sports kafi saalon se Indian market mein rahi hai. And compared to that, if a 200cc class motorcycle as per 2018 or 2019 standards आपको मिल रही है, it should have looked a little bit different. इसमें थोड़े बहुत ज़्यादा changes होने चाहिए थे to differentiate it that this is now a more premium, more expensive and more powerful motorcycle from the Hero MotoCorp stable. Comments में मुझे बताइए क्या लगता है आपको Xtreme Sports के बारे में। Do you think this bike is good enough? क्या आप ये bike खरीदोगे? क्या आपको ये bike पसंद आई? हमने इस बाइक का एक ट्रैक टेस्ट रिव्यू ऑलरेडी अपलोड किया है, तो डू चेक आउट आवर इंप्रेशंस। हम इसका एक और वीडियो अपलोड करने वाले हैं विच विल टॉक अबाउट द सिटी राइडेबिलिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल। कैसे फील होती है ये बाइक जब आप सिटी में इसे चलाते हो, इसकी यूजिबिलिटी कैसी है, हाउ कंफर्टेबल इज इट। सो टिल नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द शिफ्टिंग गियर्स चैनल। गुड बाय।